और चारों तरफ आप देख सकते हैं खूबसूरती खूबसूरती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत प्रणाम है गोपेश्वर से। और लगभग आधे किलोमीटर के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचे हैं रुद्रनाथ महादेव के स्टार्टिंग पॉइंट से गंगोल गांव, और दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है सगर विलेज। तो सगर विलेज थोड़ा सा आगे, जो कि कोहरे में दिखेगा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से रुद्रनाथ का। और अपने साथ जा रहे हैं लगभग 7 दोस्त, जो कि देहरादून से, कोई हल्द्वानी से, कोई कहीं से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखें। पंच केदारों में से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ महादेव का मंदिर, और इसके बारे में जानकारी आपको आगे आगे देते देते बन चलेंगे। लेकिन आज हम रुकने वाले हैं पनार पे, जहाँ पे लगभग 11 से 12 किलोमीटर हमें ट्रैक करके जाना है, जो मेन चढ़ाई है। उसके बाद तो भाई प्लेन है, उतराई है, बाकी सब एक्साइटेड है जाने के लिए। देखो भाग रहे हैं जल्दी जल्दी। तो भाई गाँव के बीचों बीच ऐसा कुछ रास्ता है, गाँव के भी ऐसा लग रहा है अपने घर जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत मजा आ रहा है इस ट्रैक पे, हल्की सी बारिश है और चल भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और अभी हम करने वाले एक छोटा सा प्रैंक, स्पीकर है, स्पीकर पे बाघ की आवाज निकालेंगे, तो पता नहीं है हर इधर कहीं रख देंगे। अबे क्या आगे पीछे से, अबे भागो, अबे भाग। तो भाई अब मौसम खुल गया है, तो नीचे सगर विलेज देख सकते हैं, जो कि दूसरी साइड से रुद्रनाथ का रास्ता होता है, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी रहते हैं और पर्चियाँ भी कटती है। तो उधर से काफ़ी चढ़ाई थी, तो हम आए गंगोल गांव के रास्ते। बाकी यार खूबसूरत मौसम के बीच हम आ रखे हैं। तो भाई रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एक आनंद यानी मुख की पूजा की जाती है। यहाँ पूजे जाने वाले शिव के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। तो भाई जो सड़क के द्वारा रास्ता है, यहाँ पे ट्रैकिंग होती है जो रुद्रनाथ महादेव की है, जो कि रुद्रनाथ गोपेश्वर केदारनाथ रोड पर स्थित है, और इसके से प्रवेश बिंदु 219 किलोमीटर की दूरी पर सगर गांव में है। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा का बस द्वारा अंतिम पड़ाव है सगर गांव। सगर गांव से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा आपको तय करनी होती है, जो रुद्रनाथ में समाप्त होती है। रुद्रनाथ मंदिर का जो ट्रैक है ना, सिर्फ एक ही जगह से रास्ता नहीं है, तो उर्गम गांव से, हेलांग गांव से, और जो अभी आए हम गंगोल गांव से, तो वहां से ट्रैक की प्रारंभ हो जाता है। आप ये मान के चलिए कि पहले ऋषिकेश से आपको गोपेश्वर आना पड़ेगा, और वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर सगर गांव है, जहाँ से आपको पैदल ट्रैक स्टार्ट करना है। लगभग 22 से 23 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और भाई महादेव के दर्शन के लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। और काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, जंगलों के बीच झरने वाले रास्ते, बुग्याल, तो यहाँ से हर एक वैरायटी दिखती है और फ्लावर्स भी दिखती है पीक टाइम पे, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होती है। तो भाई इस ट्रैक पे तो आज जोंक पे जोंक चिपके जा रहे हैं सबके पैरों पे, मेरे तो जूते में चिपका था, दूसरे भाई लोगों के जूते में चिपक रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इस ट्रैक में, मानसून के टाइम पे जब आओ तो भाई छोटे कीड़े मकोड़े जो है आपके पैर में चिपक सकते हैं, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो हर कदम पर आपको पैर भी देखते देखते चलना है कि भाई जोंक चिपका है कि नहीं चिपका है। तो भाई अपने साथ तो यहाँ पे अपना साथी भी आ चुका है, देखते हैं कहाँ तक साथ देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो जोंक चिपकाते चिपकाते पैरों में, तो चेक कर रहे हैं कि चिपके कि नहीं चिपके, सबके चिपके। बाकी यहाँ पे यार पहला स्टे आता है, जो कि इधर से रास्ता हम उधर से आए गंगोल गांव से, और इधर सगर विलेज से भी आते हैं, तो यहाँ पे हम चाय वगैरह पी लेते हैं, छोटा सा ढाबा है, चाय वगैरह पी के फ्रेश हो जाएंगे और फिर निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए। चाय भी आ चुकी है अपनी, यहाँ पे जोंक निकल गया इसके यहाँ से, ये देखो
कमर में तो होंगे। जंगल के रास्तों में ऐसे करके चलना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जोंक वगैरह केंचुए वगैरह आप पे चिपक ना जाए। बाकी पीछे से भी आ रहे हैं भाई लोग, और बारिश फिर से हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आ रहा है लेकिन इस ट्रैक में जंगल के बीचों बीच। और जंगल ख़त्म होगा लगभग 10 किलोमीटर के बाद, वहाँ से सिर्फ बुग्याल स्टार्ट होते हैं और बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहता है बुग्यालों के पास। और आजकल तो भाई ऐसा टाइम है अगस्त का कि भाई हमें फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे फूलों की घाटी में देखने को मिलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्रैक है ये, हार्ड ट्रैक में आता है। और भाई भगवान तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इंसानों का एक्सेस बहुत कम से कम हो, तो शायद इसी वजह है, यही वजह है पंच केदारों में से रुद्रनाथ महादेव के जो दर्शन होते हैं बहुत ही कम लोग गिने चुने कर पाते हैं जिनके अंदर श्रद्धा भाव हो, भक्ति हो। तो भाई आइए, कोई बात नहीं। 3 साल से लगातार तीसरी बार मैं इस साल मौका मिला कि मानसून में आने का, नहीं तो मैं अक्टूबर के बाद आता था। बट हर समय हर मौसम में प्रकृति की जो खूबसूरती रहती है वो भी निखरती रहती है और बदलती रहती है, तो वही देखने के लिए आज हम जा रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट स्टे होता है सगर विलेज से, वो पहला स्टे होता है पुंग बुग्याल पे, जहाँ जो लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और सेकंड स्टे होता है पनार बुग्याल, और थर्ड स्टे मेन जो रुद्रनाथ महादेव का मंदिर है वहाँ पे। तो आज अभी फर्स्ट डे हम जाने वाले हैं पनार वैली के पास। पहुँच चुके हैं यहाँ पे पुंग बुग्याल के पास, और चारों तरफ आप देख सकते हैं खूबसूरती ये भी। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है, छोटी सी शॉप है जो लोकल लोगों ने खोली हुई है। बाकी यार बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे जो अंकल जी हैं, लोकल लोग जी हैं, वो यहाँ पे बना रहे हैं कंडी, जिसमें घास वगैरह गोबर वगैरह निकालते हैं। तो ये रिंगाल होती है जो कि बांस की एक प्रजाति है, छोटी प्रजाति, पतली होती है और लचीली होती है और काफ़ी ड्यूरेबल होती है। इससे बनाई हुई टोकरियाँ, इससे बनाई हुई कंडियाँ बहुत ही ड्यूरेबल होती है। देखिए तो भाई इतना खूबसूरत बुग्याल देखिए भाई, चारों तरफ से इतनी खूबसूरती देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद तो भाई असली चढ़ाई है जो कि, तो भाई चढ़ाई अभी क्या है ना, इस जंगलों को क्रॉस करते, इस बुग्याल को छोड़ के जंगलों के बीचों बीच काफ़ी टॉप पे चढ़ना है, जो कि अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी कोहरा लगा हुआ है। बाकी इधर यार जो लोकल लोग अपनी गाय भैंसों को चराते हैं, गाय भैंस रखे हुए हैं, तो उन्होंने पुंग बुग्याल बेस कैंप है, तो यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था हो जाती है अगर कम मात्रा में हो तो। अंदर जैसे गद्दे वगैरह, कंबल सब कुछ अवेलेबल है। तो भाई रुद्रनाथ का जो समूचा परिवेश है इतना अलौकिक है कि यहाँ के सौंदर्य को शब्दों में बयां कर नहीं कर सकते। इसके चारों ओर शायद ही कोई ऐसी जगह आपको दिखेगी ना जहाँ हरियाली ना हो, फूल ना खिले हों। रास्ते में हिमालयी मोर, मोनाल से लेकर थार, थुनार और मृग जैसे जंगली जानवरों के दर्शन तो होते ही हैं। बिना पूंछ वाले शाकाहारी चूहे भी आपको रास्ते में फुदकते मिल जाएंगे, जिनको पाइका बोलते हैं। तो भाई कुछ ऐसे जंगल भी है यहाँ पे चारों तरफ जो रुद्रनाथ के रास्तों में पड़ता है, खूबसूरत प्यारा से जंगल, पेड़ों के बीच कुछ ऐसे आपको ट्रैक करना है। रास्ता भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख, नहीं 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 नहीं, किस तरीके से लोकल लोगों ने यहाँ पे जंगल के बीचों बीच गाय माता ऐसे रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे यार बाघों का भी डर रहता है, तो ग्रुप में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। भैंस भी है यहाँ पे, देख।
भाई जैसे ही आप पोंगो बुग्याल के लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आते हो, झरने तो आपने देख लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जगह जगह पे आपको ना छोटी मोटी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं, पराठे वगैरह, चाय वगैरह, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है जंगल के बीच, और यहाँ रहना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। रात के टाइम पे बाघ भालू का डर होता है, इसलिए साथ में अपने डॉग भी पालते हैं। खैर ये तो अपने साथ आया, बट उनके पास जरूर होगा। नहा रहा है रॉबिन। गिमगिमा पानी करके इस जगह का नाम है। तो यहाँ पे खाना वगैरह, पराठे, सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे खाना खा के जाएंगे, लेकिन यार अभी टाइम 1 बज रहा है दोस्तों, और यहाँ पे इतना अंधेरा सा लग रहा है। देखो जंगल के बीचों बीच पूरे कोहरा भी लग चुका है, धुंध हर जगह। ये तो भाई ये देखिए, आज हम चौसा भात खा रहे हैं, जो पीस करके दाल होती है। कुछ भाई लोग अपने पराठे खा रहे हैं, और बारिश हो रही है लगातार तेज जबरदस्त, और यहाँ पे अचार तो भाई छोड़ ही नहीं रहा। रॉबिन हो गया भाई, पूरा कटोरा खाएगा भाई। खाना पीना भी हो चुका है, लंच भी कर चुके हैं, और बारिश लगातार है, लेकिन श्रद्धालु आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में, जो इतने कोहरे में जा रहा हूँ ऐसे ट्रैक में। भाई काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरे जो सारे दोस्त हैं सारे अभी पीछे हैं, वेट कर रहा हूं उनका, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता भटक जाए वो, क्योंकि मैं तो आया हुआ हूं पहले, थोड़ा आइडिया है, बाकी देखेंगे, वेट करते हैं कुछ देर तक। तो भाई इतना कोहरा है कि नीचे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा रास्ते में कि कहाँ पर है कौन, कहाँ पर है। देखिए तो भाई जो फूलों की घाटी में दिखते हैं डॉग माउथ फ्लावर, वो यहाँ पर भी हो रखे, लेकिन वाइट कलर में भी हैं, पिंक में भी है, वैली में भी होते हैं, बट यहाँ पे अभी बहुत छोटे हैं। ये देख बहुत ही छोटे भाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उतराई चढ़ाई दोनों। तो भाई मूली खर्क पे पहुँच चुके हैं, और अपने साथ के तो अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे लगाएंगे। अभी सिर्फ हम दोनों भाई आ रखे हैं, एक हिमाचली एक उत्तराखंड, बाकी हल्द्वानी देहरादून वाले अभी चल नहीं पा रहे, उनको थोड़ा प्रैक्टिस कम है, हमें आते थे तो चल गए। तो ये मूली खर्क है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा एरिया, यहाँ पे भी रहने के लिए हो जाता है, खाने पीने के लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे थक गया यहाँ पे रह सकता है। तो भाई फाइनली ल्यूटी बुग्याल पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमें रुकना है। अभी मैं अकेला पहुँचा हूँ, साथ वाले नहीं पहुँचे हैं। भाई इतना ज़्यादा है यहाँ पे, क्या बोला, ऐसे टेंट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, इनमें से किसी में हमने रुकना है। और भाई दुकान भी है, ताऊ जी है, 3 साल से ताऊ जी के यहाँ पे रुक रहे। सुबह कॉल करके हमने पहले ही बताया कि भाई हम 8 लोग आ रहे हैं, ताऊ जी ने पहले ही व्यवस्था करके रख दी थी। तो भाई आते ही गर्म कपड़े पहन लिए, कपड़े सारे बदल चुके, क्योंकि गीला इतना हो चुका था ना, सारे कपड़े गीले हुए, सारा चेंज हो गया। अब मैं आपको टेंट्स बताता हूँ, अभी मेरे साथ वाले बिल्कुल भी पहुँचे नहीं है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। मैं यहाँ आ करके रेडी हो गया, तैयार हो चुका हूँ, कपड़े गर्म पहन चुका हूँ, और अभी मैं टेंट्स दिखाता हूँ कैसे अवेलेबल यहाँ पे आप, और अंदर नॉर्मली रहेगा, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं। तो ये देखो कुछ ऐसे रहेंगे बेड्स, हम 8 हैं तो 8 आज एडजस्ट इसी में करेंगे। टेंट्स कुछ ऐसा है, मतलब बहुत ही ओके है, नॉर्मल है। और देखो कपड़े जूते A to Z सब गीले हो चुके हैं, देखो यहाँ बिस्तर भी गीला हो चुका है भाई, थोड़ा ये देखना पड़ेगा। बाकी कंबल रजाइयाँ वगैरह ऐसे करके मिलेगी, और लास्ट ईयर तक तो भाई ऐसा कुछ प्रबंध नहीं था, सिर्फ ज़मीन में सोते थे गद्दे बिछा करके, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और अच्छा भी लगे। भाई सारे आ चुके हैं अपने टीम मेट, ब्लॉगर आ गया भागो, मैं सांप थोड़ी हूँ जो तुझे काटूंगा। दो तो ऐसे ढेर पड़ गए, हिल भी नहीं रहे भाई, जिंदा हो, सांसें चल रही। हाँ भाई मुर्दा उठ गया है। तो भाई ल्यूटी बुग्याल में ना एक घर के जैसा फील आता है, इस जो पूरी यात्रा है रुद्रनाथ मार्ग की, ऐसा लगता है कि घर में है, और सच में भगवान के हम दर्शन करने जा रहे हैं दिल से। देखो और हम 3 सालों से लगातार हम ताऊ जी के यहाँ पे रुकते हैं, ताऊ जी को सुबह सुबह फ़ोन कर लेते हैं कि कमरा रख दो, रूम रख दो, और खाना भी टेस्टी बनाते हैं। और अभी तो हम आग के सामने बैठे हैं, ठंडा भी हो रहा है, और साथ में पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो रुद्रनाथ महादेव की डोली आते ही ऊपर पे, यहाँ पे जो लोकल हैं ताऊ जी लोग, तो पहले से भी भंडारा खा के जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ताऊ जी के बाद गाय भी है? आपके नहीं है इस बार, नहीं है, पिछले बार गाय वगैरह सब कुछ रखे थे, भैंसे, बट ठीक है इस बार। और अकेले ही काम करते हैं, अकेले ही 2 टेंट, खाना बनाना, इतने लोग आएंगे, कम से कम 15-20 लोगों का खाना,
रात का एक टाइम का, बाकी तीनों टाइम कितने आते होंगे, पर बहुत ही अच्छा लगता है यहीं पे रुकना, यहीं पे खाना। और 4-5 महीने तक, जब तक डोली जाएगी नहीं नीचे महादेव जी की क्लोजिंग के टाइम पे, तब तक यहीं पे रहेंगे बॉर्डर, और सामान घोड़े खच्चर का भी लोकल से मंगाते रहते हैं। तो भाई देखे, ताऊ जी ने बना दी गर्मा गर्म चाय। तो भाई ये है ल्यूटी बुकयाल, और यहाँ ऊपर चढ़ते 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 जाते हैं पनार, जहाँ के हम रुकते नहीं हैं, यहीं पे रुकते हैं। बाकी इधर भी टेंट्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, बस बारिश ने थोड़ा खेल ख़राब कर दिया, नहीं तो यहाँ की शाम दिखाता आपको, बहुत ही प्यारा लगता है। घोड़े खच्चरों की भी व्यवस्था है, अप डाउन एक दिन में हो जाता है लगभग। बाकी देखिए पीछे का कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। तो भाई अपना जो लास्ट साथी था वो अब पहुंच रहा है भाई, ये देखो, बट इसने हिम्मत नहीं आ रही, अकेले आ गया अंधेरे में। अभी 7:30 बज रहे हैं और कहाँ हम 4-4:30 करीब करीब पहुंच चुके थे, बट कोई बात नहीं, बहुत गुड, वेल डन, हर हर महादेव। और बाकी ये देखो जैसे जैसे वो तितलियाँ नहीं होती जो ऐसे कुकून की तरह ऐसे अंदर जा रहे थे, सब ऐसे पैक हो रखे अभी कम्बल रजाई के अंदर, इन्होंने तो 1-2 नींद भी पूरी कर ली। तो भाई अब डिनर कर रहे हैं, लगभग 9 बजने वाले हैं, बाहर तो बारिश पे बारिश है, और यहाँ पे सब लाइन पे बैठ गए हैं। हाउ द जोस, अभी सो रखे थे, अब आई कर रहे हैं। वाह, और ये मंडवे की रोटी भाई, इस ठंडे में तो मंडवे की रोटी ही चलती है प्रसाद के रूप में यहाँ पे, ये देखो। तो भाई सबका पेट भर गया, और इतना बढ़िया बनाया है घर का घी डाल करके ताऊ जी ने, और अभी भी बना रहे भाई। ऐसे घर का स्वाद आता है ना, ऐसे होटलों में भी नहीं आता, मज़ा आ गया। 3 साल से खा रहे हैं, और पता नहीं जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आपके हाथ से खाएंगे, हमारी हमारी है हमारी। तो भाई डिनर भी हो गया, काफ़ी मतलब मज़ा आ गया आज यहाँ पे। पूरे बारिश तो है, लेकिन यार बारिश का भी अलग ही मज़ा होता है। और सब अब सोने की तैयारी में जुट चुके हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। ओए ये चार्जर, पहले मोबाइल मोबाइल हटा दो यार, यहाँ से गिरने वाला है। बाकी कपड़े इधर सुखाए हैं जो गीले थे, बाकी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जूते इधर सुखा रखे, और यहाँ पे टेंट बंद करूंगा, बस फिर सो जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं, रुद्रनाथ महादेव के पास, हर महादेव, बाय दोस्तों।